हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित हैं। इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो विभिन्न पद हैं इस पद के बारे में, इसके बाद अदर डिटेल जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कल मैं एक वीडियो बनाया था जो रांची झारखंड रांची से रिलेटेड था, उसमें 80 लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था और एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन फिल करना था। एप्लीकेशन फॉर्म मैं ट्राई कर रहा हूं और ट्राई करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, हो सकता है आज शाम तक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाए। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा मैं ग्रुप में जरूर सेंड करूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप में। इस बात के लिए आपको टेंशन न लें। अब हम बात करते हैं यह जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ सब्जेक्ट में आवेदन आमंत्रित हैं, L10 का पद हैं और 57,700 से लेकर 182,400 रुपये, यानी 182,400 रुपये हैं और कुल 6 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में 1 पद हैं, सैलरी सेम है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशल वर्क में 1 पद हैं और सैलरी सेम है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पद है ग्रेड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है और सैलरी भी सेम है, बट जो पद हैं पद 1 हैं जनरल कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इन सभी पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है UGC नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन दी गई है, चाहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का पद हो। और क्वालिफिकेशन नेट, सेट या स्लेट या PhD, इन तीनों में से कोई होना चाहिए, इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है। इसके अलावा UGC नॉर्म्स में जो अब हम आते हैं तो इसमें जो डिटेल जानकारी रहता है UGC नॉर्म्स के अनुसार, तो API स्कोर का महत्व रहता है। यदि लाइब्रेरियन पद के लिए मैं छोड़ दूँ इस पद को निकाल दें तो बाकी जो पद के लिए API स्कोर UGC नॉर्म्स के अनुसार हैं, जिसके आधार पर सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्ट की जाती है इस पद के लिए। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन शुल्क के बारे में। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए आपको वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और जितने भी आपके पास संबंधित डॉक्यूमेंट हैं सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद इसमें एड्रेस दी गई है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। तो एप्लीकेशन शुल्क की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अदर डिटेल की। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन शुल्क हैं 100 रुपये हैं, सॉरी 1,000 रुपये जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन शुल्क हैं। इसके अलावा रिमेनिंग जो कैटेगरी हैं जैसे SC, ST, डिफरेंट एबिलिटी, फिजिकल एंड विजुअल, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क, सॉरी एप्लीकेशन जो शुल्क हैं 750 रुपये हैं, मैंने कोई भी बोल दिया, इन कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन शुल्क है 750 रुपये हैं। अब बात है मेन पॉइंट कि एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑफलाइन आपको फिल करना है, तो जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी रहती है तो DD बनाकर आपको एप्लीकेशन शुल्क पे करना है और पे करने के लिए यहाँ पे एड्रेस दी गई है, यानी गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं और इसी यूनिवर्सिटी के नाम से आपको बनाना है और पेबल में अहमदाबाद देना है। लेकिन एक बात को आपको याद रखना है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की कोई बड़ी बात नहीं है, 1 से 2 फिल कर सकते हैं, बट जो एप्लीकेशन शुल्क हैं एक बार आपने DD बना लिया और DD को भेज दिया वहाँ पे तो आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। जब तक DD आपके हाथ में है तब तक आप कैंसिल करवा सकते हैं, कुछ चार्ज के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब एप्लीकेशन शुल्क चला जाएगा तो उसके बाद वो आपको रिफंड नहीं होगा। क्योंकि दूसरे वीडियो पर हमारे पास कमेंट आया था कि हम नहीं भरना चाहते हैं तो हम अपना एप्लीकेशन शुल्क कैसे रिटर्न करें, तो देखिए एक बार जो हम पे कर देते हैं उसके बाद रिटर्न करने का चांस नहीं रहता है। यदि DD के थ्रू पे कर रहे हैं तो DD जब तक आपके हाथ में तब तक आप कैंसिल DD चेक करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। अब है जो एप्लीकेशन शुल्क आपको भरना है और पहुँचना भी चाहिए टाइम से, तो जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आपको एप्लीकेशन शुल्क सेंड करना है, तो इसका एड्रेस है द रजिस्ट्रार गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अटलांटिक एनर्जी एवेन्यू नॉलेज कॉरिडोर, कोबा, गांधीनगर, गुजरात, और 5 बजे यानी शाम को 5 बजे तक, 6 जून को शाम को 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचना चाहिए। लेकिन एक और बात है जो आपको समझना जरूरी है, हमारे पास कमेंट आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सेंड करना है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचने के लिए। एक तो है आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि स्पेस पोस्ट, इन दोनों में से कोई कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी दिया है कि यदि आप चाहें तो कुरियर के द्वारा ही आप एप्लीकेशन भेजवा सकते हैं और एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे कुरियर का जिक्र किया गया है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जिस पद के लिए आपको अप्लाई करना है एनवेलप पे उस पद का नाम जरूर मेंशन करना है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि स्पेस पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाता है तो कुरियर न करें, क्योंकि टाइम रहता है तो 5-6 दिन में एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाता है और अभी टाइम भी है। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रूल्स हैं UGC नॉर्म्स का वही रूल्स अप्लीकेबल हैं सभी पद के लिए।
अब हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है। तो यह जो वैकेंसी है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में आवेदन आमंत्रित किया गया है। और यह जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सॉरी सरकारी नौकरी के लिए है, जिसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम कह सकते हैं, बट इसमें लिखा नहीं है कि यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेकिन जिस तरह से पे लेवल सैलरी दी गई है इस लेवल के हिसाब से यह जो हैं और क्वालिफिकेशन के हिसाब से डायरेक्ट या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह का अपडेट और न्यू वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात कि आप इस वीडियो को, जो भी वीडियो आपसे रिलेटेड है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड कलीग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर किया करें, जिससे कि इसका जो है सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और ऐसे पोस्ट भी आते हैं जो पता नहीं चलता है। इस उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जाता है और यूट्यूब पे पहुंचाया जाता है कि यह वीडियो सबके पास यूट्यूब से सोशल नेटवर्किंग के साथ